करो नष्ट आशा की संप्रयाण द्वापर का अंत में श्री कृष्णचंद्र अपना लीला संक्रमण करते हुए अपनी कथा में जब प्रयास किया है तो भगवान ने सोचा कि जब भगवान चलेंगे भगवान के साथ जितने भी साधन के जितने भी अंग है धर्म कर्म ज्ञान योग तपस्या भक्ति सब भगवान के साथ में ही चलेंगे। भगवान ने देखा कलो नष्ट दिशा पुरुषम, ये जो कलयुग का जो जीव है कलो नष्ट दिशा पर क्या क्या है, कलयुग का जीव का जो दृष्टिभंगी है अत्यंत निम्न स्तर का है, उसमें कोई अच्छा कर्म करने का उसका वो बुद्धि नहीं है। जैसे कहते हैं कि मंदास मंद मतयो मंद भाग्य झूपत, मतलब क्या है कलयुग का जो जीव है मंद भाग्य, मंद भाग्य मतलब हम पे पूरा पूरा जन्म कोई अच्छा कर्म नहीं किया है, ये सभी के लिए नहीं लागू होता। जी के भगवान की कथा सुनने के लिए जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनके लिए नहीं है, ज्यादातर भगवत विमुख जो जीव है इन्हीं के लिए शब्द अधिकतम उपयुक्त होता है। इसलिए कहते मंद भाग्य, हमने ज्यादा कुछ अच्छा कर्म नहीं किया है, सुमंद मतयो हमारी बुद्धि है वो भी मंद बुद्धि है, कोई उन्नत शुद्ध विचार की बुद्धि नहीं है, जो भी बुद्धि है हमेशा कुछ ना कुछ विवाद सृष्टि करने वाला बुद्धि है। इसलिए कहते मंद भाग्य चुपद्रुता, फिर व्याधिग्रस्त, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है अभी वर्तमान समय में जिसका कोई व्याधि ना हो, उस व्याधि में वो आक्रांत होकर हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे देहात्म बुद्धि के कारण विचलित होगा, क्या करे क्या ना करे। तो भगवान ऐसे सोच करके उन्होंने पुराण उनके बाणमयी मूर्ति स्वरूप श्रीमद भागवत महापुराण इस जगत में यह है भगवान के पांडव है। स्वयं भगवान ने जो उपदेश दिया है वो है श्रीमद भगवत गीता, गीता मतलब जो भगवान ने स्वयं दान किया है, यानी उपदेश के माध्यम से जो उन्होंने कथा सुना है वह गीता है। आर्य भगवान का रुक्मिणीला चरित्र कथा, वो भी भगवान समाधि भाषा है, भागवत है समाधि युक्त भाषा। जब नारद जी ने और कृष्णदेव वेदव्यास जी ने सप्त वेद के चार भाग में विभाजन किया जीव कल्याण के लिए, सत्र पुराण भी उन्होंने लिखा, फिर भी उनको मन में संतुष्टि नहीं मिला। तो एक दिन जदित चक्र में नारद ऋषि उनके आश्रम में उपस्थित हुए तो नारद जी ने व्यास जी को कुशल मंगल पूछा, तो व्यास जी कहते हैं कि हमारे सभी तो कुशल है लेकिन मैं एक प्रकार से अकुशल हूँ। बोले क्यों? मैंने जीव कल्याण के लिए एक ही वेद था, उस वेद को मैंने चार हिस्से में मैंने बांटा, फिर उसको समझने के लिए उसको व्याख्या ग्रंथ के रूप में उपनिषद मैंने लिखा, फिर उसको पूरा करने के लिए मैंने सत्रह पुराण भी लिखा, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली, कारण क्या है? तो फिर नारद जी तब कहते हैं आपने तो जीव कल्याण के लिए किया है लेकिन भगवान की एक जो कथा रूप लीला कथा आपने यथार्थ रूप से आपने वर्णन नहीं किया है। बोले क्यों? मैंने तो पद्मपुरा और स्कंदपुरा हरिवंश जो प्राण है ब्रह्म में बहुत जगह में हम तो भगवान की कथा कीर्तन किया है। बोले वो तो प्रसंग क्रम से आपने वर्णन किया है लेकिन यथावत रूप से आपने कीर्तन नहीं किया जैसे होना चाहिए। तब नारद जी ने अपने जीवन चरित्र सुना कि जब काशी के रूप में आए थे वहाँ पर चार चतुर्थ के लिए जो ऋषि लोगों ने तपस्या करने के लिए आए थे
वो अपने माँ के साथ में उनको कैसे सेवा किया है, उनको सरलता देकर के ऋषियों ने उन्हें मंत्र दिया है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सब कथा उन्होंने सबको सुनाया। फिर भी मान लीजिए कि व्यासदेव को जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने जीवन चरित्र में के भक्ति के जो उपदेश है, यहाँ तक कि जो पिता ब्रह्मा जी ने जो चतुष्लोक को उपदेश किया था, ये सब बात वेदव्यास जी को सुनाया। तब वेदव्यास जी को कुछ प्रतीत हुआ तो उन्होंने भयग्रस्त होकर के उन्होंने पुराण को कृष्णचंद्र उनके गुरु को लीला परिकर धान सब कुछ उन्होंने दर्शन किया। इसलिए उन्होंने इस समाधि के द्वारा इन्होंने श्रीमद भागवत पुराण का दर्शन किया, भगवान के सब कुछ लीला का दर्शन किया। फिर उन्होंने श्रीमद भागवत कथा की उन्होंने लिखा, उन्होंने बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। तो इस भागवत में है क्या? पहले स्कंद से लेकर के नौवां स्कंद तक ये जो है, जहाँ पर कहते हैं कि गीता जहाँ पर समाप्त हुआ है, गीता का चरम उपदेश क्या है, सब धर्म परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम् त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मास्तु। हे अर्जुन, तुम सब कुछ धर्म परित्याग कर केवल तुम मेरे ही शरणागत हो जाओ। क्या कहते प्रभु, मेरा संसार है, आत्मीय स्वजन सब कुछ है, मैं सब कुछ छोड़ करके आपके शरण में चले जाऊँ तो मुझे तो पाप लगेगा, मास तुम शोक मत करो, मोक्षयिष्यामि, मैं तो मुक्ति देने में मैं समर्थ हूँ, मैं तुमको मुक्ति दिलाऊंगा। जहाँ तक गीता की चरम उपदेश जो सर्वधर्म यानी शरणागति तक है, वहीं से भागवत के प्रारंभ हुआ है। शरणागति कितने प्रकार कैसे कैसे किया जा सकता है, इस चीज को नौवां स्कंद तक इस चीज को दिखाया। वहाँ पर वो राजाओं का आख्यान उपाख्यान के द्वारा, जैसे अजामिनी उपाख्यान, अम्बरीश महाराज की कथा, भरत महाराज की कथा और चित्रकूट महाराज जी की कथाएं हैं, वो कैसे कैसे भगवान के शरणागत हुए हैं, इस चीज को दिखाया गया है। आखिर में जाकर के उन्होंने दशम स्कंद में पूरा कृष्ण लीला ही वर्णन किया है, कृष्णलीला को वर्णन करने के बाद उनके प्राप्ति के उपाय के रूप में एकादश स्कंद में जो नवजोगेंद्र संवाद है, नवजोगेश्वर में जो संवाद है, उस संवाद के माध्यम के द्वारा उनके कैसे प्राप्ति के उपाय बताए। तो भागवत हमें क्या संदेश देता है, क्या कहना चाहते हैं? जैसे काल हम लोग ने श्रवण किया था कि ये श्रीमद भागवतम क्या है, जैसे द्वादश स्कंद में बताया गया है सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद भागवतम इष्यते। श्रीमद भागवत जितने भी शास्त्र हैं सब शास्त्र का सार है। कल पूज्य पद्मान के लिए एक श्लोक मैंने उच्चारण किया है, अर्थ ब्रह्म सूत्र नाम भारतार्थ निर्मय गायत्री भाष्य रूप सुविधार्थ। इस भागवत की इतना महिमा क्यों है, जहाँ पर भागवत महात्मा हम सुनते पद्म पुराण में धुंधुकारी के जब उनके इस तरह से उनको वैश्विक उनके ऐसे मतलब प्राण संहार किया है बुरी तरह से, जिस कारण से ऐसे कुकर्म के तो ऐसे प्रेत जनी बना है, गोकर्ण जी ने गया में उनके पिंड दिया है, उनका अंदर बहुत कुछ किया, फिर भी उनका उद्धार नहीं हुआ। तो एक दिन आकर के उन्होंने ऐसे अपने रूप दिखाया, कुछ बोलना था तो बोल नहीं पा रहे थे, तो धुंधुकारी ने उनको छिड़ा तो उन्होंने रोने शुरू किया, भाई कौन है तू? बोले मैं तुम्हारा भाई है, आप तुम्हारे लिए गया में पिंड दिया है, कितब पाठ किया है, वेद पाठ किया है, सब कुछ किया है। बोले भाई मैं ऐसे तैसे पापी नहीं हूँ कि इसके द्वारा मेरा कभी उद्धार संभव, लेकिन और कोई उपाय कीजिए इससे मेरा उद्धार हो जाए। तो अब गोकर्ण जी ने अपने तपस्या के बल के द्वारा उन्होंने सूर्य गति को रुक कर दिया उन्होंने, तो सूर्य देव ने कहा मेरा गति क्यों रुक किया है,
कि आप तो सर्वद्रष्टा है, आप बताइए कि मेरे भाई का ये जो दुर्गति हुई है इसका उद्धार के कोई उपाय बताइए। तब कहते हैं आप, हाँ कहता है कि भागवत कथा की सत्कर्म की बात कही है, जो सत्कर्म की बात कही है तो भागवत कथा ही है सत्कर्म है। नारद जी भी सत्कर्म के जब कहा गया तो उन्होंने भी कुछ इस चीज को ढूंढने में वहां तक पहुंच गए, बद्रीनाथ तक पहुंच गए, वहां पर चतुष्ण जी ने उनको भी उस चीज को समझाया। तो उन्होंने सात्विक तक भागवत कथा सुनी। भागवत कथा जब सुनाया तो देखा केवल वहां पर एक सात कांड वाले बांस रखा गया था, वो तो वायु से जो कैसे रहेगा, उस बांस के अंदर में आश्रय करके तो वहां रहे। एक एक दिन के कथा सुनते गए, एक एक कांड फट कर गए, सातवा दिन में पूरा सात कांड फट गए और उन्होंने एक दिव्य रूप धारण किया और वैकुंठ से विमान आए उनके लिए। तो धुंधु का एक गोकर्ण जी ने पूछा जो विमान लेकर कहते थे वैष्णव कि प्रभु यहाँ तो इतने सारे लोग कथा सुने हैं तो केवल इनके लिए विमान आए और सबके लिए क्यों नहीं आए। तब कहते हैं जो श्रवण भेदेशु भनक, यहाँ जितने भी लोग सुने हैं सबका श्रवण एक प्रकार नहीं है, लेकिन वो बहुत दुखी बहुत कष्ट के कारण वो अपने उद्धार प्राप्त करने के लिए उन्होंने जिस प्रकार उन्होंने तन मन वचन से श्रवण किया है, श्रवण करने के बाद जब कथा के विश्राम होती तो उसके बाद वो उसको मनन करते थे, लेकिन वैसे इन लोगों का श्रवण किया नहीं है इसलिए उनके भी मन आए हैं। तो उन्होंने तब उन्होंने गोकर्ण जी को वंदना करके कहा कि ये जो आपने कथा सुना ये प्रेत पीड़ा विनाशक कथा है, इन लोगों को बहुत बहुत प्रणाम किया है। फिर उन्होंने वैकुंठ चले गए। फिर गोकर्ण जी ने फिर भागवत कथा शुरू की, सभी ने के लिए विमान भी आए और स्वयं गोकर्ण जी के लिए स्वयं भगवान श्याम सुंदर वहां प्रकट हुए, उन्होंने उनके भक्त को अपने स्वयं ही ले गया पूछा। तो ये है भागवत कथा की महिमा। ये भागवत कथा की महिमा श्रवण करने का विधि पहले क्यों है, किसी वस्तु के बारे में हमें जब तक सही ज्ञान ना हो कि है क्या उसका महिमा क्या है तब तक उस विषय के प्रति हमारा उतना प्रीति या आदर नहीं होता है, इसलिए पहले महत्व श्रवण करना शुरू किया। तो इसलिए भागवत में इस प्रकार सुना गया कि कितने से कितने गिरे हुए व्यक्ति कैसे भी देवद्रोही विश्वद्रोही व्यक्ति भी उस भागवत कथा के सुनते हैं, उनको मदद करते हो क्या कौन मदद करता है तब भी उनका उद्धार हो जाता है। इसलिए भागवत हमें हम ज्यादातर नहीं सुनाएंगे, भागवत हमें यही संदेश देते हैं। हमारे भागवत का अंतिम जो टीकाकार है श्री कृष्ण विश्वनाथ कपूर ठाकुर जी, उन्होंने एक श्लोक में जो महाप्रभु जी का उपदेश है, सर्वशास्त्र का जो सार है, उन्होंने एक श्लोक में बता दिया है, आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस्तद्धा वृंदावन रम्या काचित उपासना ब्रज बुध वर्गेन जाकल्पिता श्रीमद भागवत पुराण मन प्रेम परमार्थ महान चैतन्य महापुरुष मत विदम तत्रादन। भागवत हमें क्या संदेश दे रहे हैं, किसका भजन करने का संदेश दे रहे हैं। पहले जो सत्र पुराण की जो वर्णन किया गया है उस पुराण में केवल 5 लक्षण है, उसका अमल पूरा नहीं बताया गया है, उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात भी बताई गई है, लेकिन श्रीमद् भागवतम में अमल पुराण को यह इसी श्लोक में बताया कि श्रीमद् भागवत पुराणम अमलम। अमल पुराण मतलब पहला स्कंद का दूसरा श्लोक में कहते हैं धर्म प्रज्जित कई तवा क्या कह रहे हैं, धर्म प्रज्जित कई तब, जो कई तब धर्म, कई तब धर्म किसे कहते हैं, कई तब का मतलब क्या है, कपट धर्म छल धर्म जो जिनको ठगते हैं, क्या है धर्म अर्थ काम मोक्ष कई तब प्रधान, ये चार क्या है कृष्ण भक्ति के बाधा स्वरूप।
धर्म अर्थ काम मोक्ष और जो साधारण संसार के जीव चाहते हैं, लेकिन भागवत ये चीज देने वाला वस्तु नहीं, ना तो इसके बारे में चर्चा की गई इस बार श्रीमद भागवत महापुराण। इसलिए यहाँ पर ये सब कई तब धर्म रहे थे, यहाँ पर क्या है जब विष्णुवानम यम जो परमहंस जब वैष्णव है उन्हीं के लिए एकमात्र श्रीमद उनके ही एकमात्र प्रिय वस्तु है, और परमहंस क्या करते हैं वो केवल भगवान के ही आराधना करते हैं, इसलिए उनके लिए श्रीमद भागवत उनका ही एकमात्र प्रिय वस्तु है, ना कि कोई विज्ञानी जो भी वस्तु है। इसलिए कहते हैं आराध्य भगवान प्रजेश हे जीवो, यदि आराधना करना चाहते हो तो ब्रज राधन श्री कृष्ण चंद्र का ही उनके प्रियतमा के साथ में उनका आराधना। तो कहते भाई उनका धाम कहाँ है, कहाँ रहते हैं, व्यक्ति के बारे में तो जानकारी होना चाहिए, हम जिसको आराधना करें भाई वो कहाँ रहते हैं, तो धाम वृंदावन श्री धाम वृंदावन है उनका नित्य वास। कैसे उपासना किया जाए श्रीमद भागवत में जैसे पहले श्लोक में कहते हैं जन्मादश जत हो, इस श्लोक में जन्मादश जन्म आदि अश्व आदि शब्द में जो आदि रस श्रृंगार रस इसके जो विशद व्याख्या किया गया है हमारे वैष्णव गुरु ने उसमें कहते हैं तो आदि रस क्या है श्रृंगार रस जो ब्रज गोपियों ने जिस प्रकार कृष्ण की सेवा की उसी के लिए कह रहे हैं रम्या का चित्त उपासना जो ब्रज राम ब्रज गोपिकाओं ने जिस प्रकार राधा माधव की जैसी सेवा किया है उसी प्रकार सेवा हमें प्राप्त करना है। ब्रज गोपियों ब्रज गोपियों ने जिस प्रकार उनकी सेवा किया है उसी प्रकार सेवा प्राप्त करना है। तो उसका प्रमाण क्या है, हम कैसे मान लें कि ये सही बात है, आप जो कह रहे हैं कहते हैं श्रीमद भागवत प्रमाण मंगलम, श्रीमद भागवत उसका मूल प्रमाण है, वो भी कैसे अमल प्राण है, ये सब राधा कृष्ण मिलित तो श्री चैतन्य महाप्रभु ही उन्हीं ने जो सिद्धांत हमें सिखाया है उसी चीज को श्री विश्वनाथ कपूर ठाकुर जी ने पूरा सार निर्जास के रूप में इस श्लोक ने अवधारणा की है। इसलिए कहते चैतन्य महाप्रभु मत निगम तत्रागर नपर, श्रीमद महाप्रभु जी का यही अभिमत है और हमारा दूसरा किसी मत में कोई आदर नहीं है। जैसे कल हमने श्रवण किया था जो भागवत रस को जो पाने पर किया है उनका और दूसरा किसी रस में रुचि नहीं होता है, ठीक है ना। वो ऐसे भागवत क्या है निगम कल्प तो बोली तुम फलम, काल जैसे हमारे श्रीमंत कपूर प्रभु जी ने उदाहरण दिया था पेड़ के बारे में बोला था भाई हर चीज के निर्जर होता है फल का, जैसे आम का पेड़ मान उसका आम के पेड़ से जो जड़ से जो रस आ रहा है उसी से तो फल बनता है भाई, फल में जो स्वाद क्या उसके जो बाकल है क्या उसको यदि हम चुभे के उसमें आम का स्वाद नहीं मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना। लेकिन जल से वही रस अपने शाखा प्रसव के माध्यम से टहने होते हुए आम तक जाते हैं और वही आम जब पक जाता है तो आम कितना मधुर होता है। क्या कहते हैं ऐसे ही है जितने भी वेद है पहले बताया गया सर्व वेदांत सार, सर्व वेदांत मतलब केवल वेदांत का मतलब क्या है जो वेद का सार भाग है ने समझने के लिए वो साढ़े सात सूत्र के रूप में बताया इसलिए उसको वेदांत कह रहे हैं कि सबको निर्जास जो वेदांत है उसका भी सार स्वरूप है। जैसा हम दधि मंथन करते हैं उससे क्या निकलता है मक्खन निकलते हैं, मक्खन के बाद उससे क्या होता है घी, उसके बाद कुछ होता है क्या घी, उनका सार निर्जास ही है। उसी प्रकार शास्त्र का जो सार निर्जास है श्रीमद भागवत इससे कोई उत्तम शास्त्र कोई है ही नहीं संसार में। इसलिए ब्रह्मा जी ने जब ये कथा सुना तब परीक्षित महाराज जी कथा सुना रहे थे तो भागवत केवल महात्मा कीर्तन कर रहे थे तब ब्रह्मा जी ने आश्चर्य में पड़ गए अरे इतनी उपासना पद्धति हमने बताया है
अरे भागवत कितनी सृष्टि कह दिया है। तो उन्होंने अपने तराजू में एक तरफ भागवत रख दिया और जितने भी साधन है सबको और एक तरफ रख दिया। क्या हुआ? सब प्रकार के साधन हल्का हो गया है। श्रीमद भागवतम धार्मिक, इसका मतलब क्या है? श्रीमद भागवतम ही सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, रसमयी ग्रंथ है। इसे मुहुर मुहुर रसिका भूमि भाव का इसके पात्र भी कौन है? रसिका भावुक व्यक्ति उनको मुहुर मुहुर पान करते हैं। ये सब चीज भागवत में बताया गया है। इसलिए भागवत में जो भगवान है वो कैसे है? पहले मंगलाचरण में कहा गया है कि सच्चिदानंद उपायोत्पत्ति हेतु तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय मंगलाचरण करके कह रहे हैं सच्चिदानंद उपाय। तो भगवान के स्वरूप क्या है? जो भगवान के प्रतिपाद्य वस्तु है कि मंगलाचरण तीन प्रकार के हैं। एक उनके प्रणाम है और वस्तु निर्देश आशीर्वाद। तो इसमें पहले क्या कर रहे हैं? वस्तु निर्देश है। क्या है? तो भगवान कैसे? सच्चिद आनंद, सच्चिद आनंदमय स्वरूप भगवान के स्वरूप। अभी सच्चिद आनंद क्या है इस चीज के जैवधर्म गौतम ठाकुर ने बहुत सुंदर तरीके से कहा से प्रकट हुए? जब भगवान ने कुछ लीला करने का इच्छा किया उन्होंने एक बहुष्य एक से बहु होने का जब उन्होंने इच्छा किया है तो आपने डायन ने उनमें से आपने विलास विग्रह बलदेव प्रभु को प्रकट किया है। तो बलदेव प्रभु कौन है? उनका एक शब्द। फिर लीला साक्षात के धारे दिन जब उन्होंने लीला साक्षात करने का इच्छा किया है तो अपने बाएं अंग से अपने जो शक्ति का जो सार है अंतरंग शक्ति श्रीमति राधादेवी का अपने बाएं अंग से प्रकट किया है। तो राधादेवी कौन हुए भाई? कौन है? केवल शक्ति नहीं, शायद कृष्ण ही है। अपने अचिंत शक्ति के द्वारा उन्होंने अपने शक्ति को एक प्रकृति के रूप में उन्होंने परमा प्रकृति के रूप में उन्होंने प्रकट किया है। इसलिए कहते हैं राधा बिना श्याम आधा। क्यों? कि राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, ठीक है ना। तो फिर कृष्ण से दो व्यक्ति निकले, कौन? एक बलदेव प्रभु, एक राधा जी। तो राधा बलदेव प्रभु जी कौन है? संदिनी शक्ति को अधिष्ठा देवता है। कृष्ण स्वयं क्या है? सत और ये है चित, यानी ज्ञानमय स्वरूप स्वयं कृष्ण है और आनंदमय स्वरूप लाली राधा ठाकुर जी है। तीनों मिला करके एक है, तीन पृथक पृथक नहीं है, एक ही स्वरूप भिन्न मात्र का। बलदेव प्रभु और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, केवल वर्ण मात्र भेद है, लेकिन स्वरूप तो एक ही है। इसलिए भगवान एक हम जो बहुत शब्द वेदांत सूत्र का जो ये जो सूत्र है, भगवान ने जो एक से बहु होने के लिए चाहा तो उन्होंने बलदेव प्रभु को प्रकट किया। फिर बलदेव प्रभु से आदि चतुर्भुव, फिर दूसरा चतुर्भुव, फिर उसमें जो महाशय प्रसन्न है उसमें से एक कारणदक्षाय गर्भदक्षाय कृतदक्षाय कृष्ण, ये सब प्रकट हुए हैं। उसके बाद जितने भी लीलावतार गुणावतार सप्तावतार मन्वंतर अवतार ये सब उनमें से, इसलिए एक से बहु के रूप में जगत में प्रकाशित है भगवान। तो इसलिए कहते हैं तो भगवान के स्वरूप के सच्चित आनंद विश्व उत्पत्ति आदि है। कभी जो विश्व सृष्टि स्थिति प्रलय उत्पत्ति का जो मूल कारण है अन्य व्यक्ति वही एक मतलब भगवान है। और वो भगवान क्या करते हैं? तापत्र विनाशाय। वो तापत्र क्या है? सप्त रज तम आदि देवी आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक ये तीन तप का हरण करने वाले हैं। ये भगवान के नाम लीला करते हैं। हम इसी पता का श्रवण करने के लिए बैठे हैं। वायर नंबर तब वहाँ पर ब्रह्मा जी ने नमस्कार किया है कि वही कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। तो हम उसी कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण तदीय पाद पंकज पंजन अद्वैव विमर्श कुमार सराज अवसर प्राण प्रयाण समय अपवाद विद्रय कंठ अवरोधन स्मरण जय श्याम सुंदर। आप सुन रहे हैं।
यही एक प्रार्थना है कि मेरे मन रूपी हंस आपके चरण रूपी पिंजरा में अब से आबद्ध हो जाए। बोले क्यों भाई, क्यों? इसलिए प्राण प्रयाग समय है, जब इस शरीर जब छूटने वाला है, जब प्राण निकलने वाला है, कब बाप पित्त देकर के शरीर बना हुआ है, गले में आबद्ध हो जाती कहा मैं आपको नाम ले नहीं सकूंगा। इसलिए पहले से आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि स्मरण तथा कैसे स्मरण करें, इसलिए हे प्रभु कृपा करके आप मेरे मन की राज हम सबको अपने चरण इंद्र में स्थान दे दीजिए। अंचार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 और जोर से बोलो हरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोदर सतस्त्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज नितलीला प्रविष्ट वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्री बाबा जी महाराज अन्य वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री प्रभुपाद का उपदेश। आज एक उपदेश में किसने प्रभुपाद से प्रश्न किया है, भगवान के नाम करने से क्या मिलेगा? हम कहते ना हरिनाम करो हरिनाम करो हरिनाम करो, गुरुदेव हमें दिया क्या है, हरिनाम तो दिया है और क्या दिया, हरिनाम ठाकुर का नाम दिया है। इसलिए किसने पूछा आप कहते तो हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति व्यर्थता। कलयुग में हरि का नाम को छोड़ करके कोई गति नहीं नहीं। अब इतने हरिनाम के बाद कितने बता रहे हो, अभी हरिनाम गति से मिलेगा क्या है? फिर क्या मिलेगा? हम क्यों दिन रात ये हरिनाम को क्यों जप कर? प्रभुपाद कहते हैं बोले श्री कृष्ण नाम ग्रहण काले श्री कृष्ण अनुशीलन हई के धाके यही फर्म यही क्या बोले फर्म फल भोग कर्म फल भोग और मुक्ति पापा पिपासा दूर है ते थाके नाम प्रभाव जीवन सकल अनर्थ क्रमशः दूर है। प्रभुपाद कहते हैं अगर कोई व्यक्ति हर समय भगवान के नाम को उच्चारण करता है, इसलिए महाप्रभु समस्त भक्तों को बुलाए बुला करके बैठा है। महाप्रभु ने क्या बोले, बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले प्रभु बोले पहला यही महामंत्र यहाँ जब किया सबे करिया नहीं बनता। मैंने तुम लोगों को ये हरिनाम दिया है, अरे हरिनाम को लो, हरिनाम को कैसे जप करनी चाहिए? बोले निर्बंध निर्बंध मतलब नियम करेगा है, आज हम इतना नाम जरूर करेंगे है। इसलिए हरिनाम ही कलयुग में जितने साधन हैं सर्वश्रेष्ठ साधन कलयुग में भगवान की नाम है। इसलिए श्री जीव गोस्वामी कहते हैं हम भक्ति का जितने अंग जाजन करते हैं, जैसे अर्चन करते हैं, ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनाते हैं, ठाकुर जी के लिए दीक्षा जाते हैं,
जैसे ये मंदिर में अर्चन करते हैं, हम जितने भक्ति का अंतर जो कुछ करते हैं, तब जीव गोस्वामी कहते हैं अगर ये भक्ति अंगों साथ में अगर ये भगवान का नाम नहीं जुड़ा हुआ हो ना, वो सब कुछ बेकार है, पानी जरूरत। इसलिए अगर भगवान के नाम अगर इसमें नहीं जुड़ा हुआ हो तो बेकार हो जाएगा। इसलिए महाप्रभु जब गुंडीचा मंदिर मार्जन कर रहे थे, मंदिर साफ कर रहे थे, हाथों में तो सेवा कर रहे थे, लेकिन मुंह में क्या बोल रहे थे? भगवान का नाम। अगर किसको पात्र दे रहे, बोले लो पात्र नहीं, हरे कृष्णा है, किसको किसको बुलाना, भैया हरे कृष्णा। अगर प्रसाद पाना, भैया हरे कृष्णा। अगर कहीं जाना, बोले हरे कृष्णा। उन्होंने महाप्रभु सारे काम में हरिनाम को जोड़ कर कर रहे थे। इसलिए इसमें प्रभुपाद टीका में लिखते हैं, महाप्रभु ने क्या सिखा दिया, महाप्रभु ने ये सिखा दिया, हाथों में तो ठाकुर का सेवा करो, लेकिन मुंह में भगवान के नाम जपो। इसलिए मैया यशोदा हाथ में दधि वंदन कर रही थी, हाथों में दधि वंदन कर रही थी, लेकिन मुंह में क्या बोल रही थी? बोले गोविंद दामो हुआ।
लेकिन हम सबके सब हरिनाम प्रसार करते, इसलिए एक भजन गाते हैं के मान हरिनाम कर सार हे भव सागर हरि बल चर हटिया हरिवे पार हे मान हरिनाम कर सार करे मन। जीवन में सार क्या बना दो, हरि का नाम को ही जीवन का सार बना दो, सार हरि की नाम। इसलिए हमारे भक्ति वेदांत से नारायण गोस्वामी महाराज बामन गोस्वामी महाराज, बामन गोस्वामी महाराज तो क्या करते थे, वो सूर्य अस्त होने से पहले भजन करते हैं, हमने देखा जब मथुरा में आए थे सूर्य अस्त होने से पहले भजन पूरा भजन कर लें, और भजन करके टाइम से भले ही कोई बोलते हैं ना अरे ये दुनिया तो बात करते हैं हमको नींद नहीं आती हम जल्दी सुनना चाहते, लेकिन हम उनका जीवन में देखा भले ही उनका सेवक लोग बैठ करके बात कर रहे हैं लेकिन जगत में रहते हुए भी वो अलग जगत पर रहते हैं, भले बात कर रहे हैं वो टाइम से सो जाएगी एकदम 8 बजे सो जाएगी एकदम टाइम से सो जाएगी, सो करके एकदम सवेरे सवेरे उठ जाएगी, सब सो रहे हैं सवेरे सवेरे उठ जाएगी, उठ करके बस माला ले करके एक आसन पर बैठ जाएंगे, बैठ करके एकदम जम करके हैं जम करके भोजन करने से पहले 1 लाख नाम को सवेरे पूरी करें, 1 लाख नाम को सवेरे पूरी कर लें। हमारे भक्त नारायण गोस्वामी आप ठीक है ऐसे ही, इसलिए जगत में ना इनको इतना पूजा हुई, कारण यही है हरिनाम को जीवन में सार बना दिया हरिनाम को। लेकिन अगर कोई साधारण जो बद्ध जी अगर बोलेगा भाई ये भी हरिनाम करते हम भी दिन भर माला लेकर के बैठ के बैठा सेवा विवाह छोड़ कर देते हैं, सेवा को साथ में हरिनाम करना पड़ेगा। जो बद्ध जी भी है ना पहले अवस्था में जैसे वो लोग नित्य सिद्ध है जब नाम करते हैं और कोई उनका मन में कोई चीज नहीं आती है केवल नाम की चिंता ना आते, लेकिन अगर हम बद्ध जी अगर बोलेंगे सेवा विवाह एक तरफ रख लो दिन में 2 लाख हरिनाम करेंगे भैया कभी कभी अपराध ज्यादा हो जाएगा, अपराध कभी कभी ज्यादा हो जाएगा, कारण है अभी हमारी अनर्थ ग्रस्त जीव है, इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे हाथों में सेवा करो और मुंह में भगवान की नाम करो दोनों काम तुम्हारी होगा। इसलिए बद्धा पूछता हूँ मैं जब पहले पहले मंदिर में आया मैंने जब उसे बात को सुना ना मेरे मन में इच्छा हुआ भैया मैं भी 1-1 लाख हरिनाम करूंगा, हमारे गुरु जी मठ बहुत सारी सेवा है बहुत सारी सेवा है, इसलिए तो गुरु जी ने कहा देखो अभी हम बद्धा अवस्था है अगर माला लेकर के बैठो कि माला तो हाथ में चल रहा है लेकिन अभी सोचो तुम्हारे मन कहाँ पर, तुम्हारी मन कहाँ पर ये चीज को सोचो, ऐसे नहीं माला की बहाना बना करके तुमने ठगने का एक उपाय तो नहीं सोच लिया, पहले माला गुरुदेव अभी हम माला, इसलिए गुरुदेव एक कथा सुना देते कोई एक नया सेवक आया सुना भैया महाप्रभु कहते हैं जब तक कोई 1 लाख हरिनाम नहीं ले लेता है तब तक ठाकुर उसका हाथ में खाना नहीं खाते, इसको सुनकर उसने बोले रोज 1 लाख हरिनाम करे, तब गुरु जी ने कहा बेटा पहले तो कोई ये नहीं था पहले तो कुछ व्यवस्था नहीं था, क्या व्यवस्था नहीं था जब कोई से भिक्षा भिक्षा घर घर में भिक्षा भी जाते थे घर घर में भिक्षा भी जाते थे भिक्षा इसलिए घर घर में पहले भिक्षा मिल जाते थे, हम भी जब मथुरा में आए ना पहले मटका स्थिति इतना अच्छी नहीं थी, हम महाराज तो दिन भर भजन करते थे घर घर में हमको भिक्षा मिल जाते थे घर घर में जाकर आटा भिक्षा चावल भिक्षा घर घर में करते थे, इसलिए पहले यही ऐसे ही जीविका निर्वाह करते थे, अभी तो सब कुछ मिल जाता है भक्त लोग देते थे, पहले बड़ा कठिन था बड़ा कठिन में मठ चलता था बड़े कठिन से, वहाँ पर मथुरा में हमारे जो भक्त लोग बंगाली लोग ज़्यादा रहते थे उनका चावल नहीं मिलेगा ना, भले ही तुम जितने लड्डू कचौड़ी मालपुआ जितने खिला दो बोले तो नाश्ता हुआ है भोजन हुआ है, जब उनका चावल देंगे बोले अभी भोजन हुआ है, इसलिए उनको उस समय कहते 15 दिन में 12 दिन एक बार चावल मिलता था, और वहाँ पर जो रोटी वहाँ अन्न खाने के लिए तरसते थे ब्रह्मचारी कब अर्थ मिलेगा कब अर्थ मिलेगा, क्यों वहां पर तो सब ब्रज में सब खेती करने वाले, इसलिए गुरुदेव ने कहा बेटा जाओ भिक्षा करके ले आओ,
भिक्षा कर। बोले गुरु जी अभी हम नाम जप कर रहे हैं, आपने बताया ना जब तक 1,00,000 पूरी नाम नहीं करोगे तब तक है भगवान हाथ से कुछ खाते ही नहीं। अभी गुरु जी खुद गए भिक्षा करके लाए। बोले बेटा भिक्षा करके ले आए, अभी तो थोड़ा रसोई बना दे, रसोई बना दे। बोले गुरुदेव अभी नाम में सेवा भी है, अभी हमारे नाम पूरी नहीं हुआ। अभी गुरुदेव भी क्या किया, रसोई बना दे। अभी गुरुदेव जी रसोई, बोले बेटा कम से कम ठाकुर को भोग लगा दे ठाकुर को। बोले गुरुदेव अभी भी नाम पूरी नहीं हुआ। अभी गुरुदेव भोग लगाए, बोले बेटा कम से कम तो प्रसाद के लिए आसन भी चाह। बोले गुरुदेव थोड़ी सी बाकी रहेगी बाला, गुरुदेव आसन बिछा दिया। जब आसन बिछा दिया इतने में गुरुदेव बोले बेटा कम से कम आओ और बैठ कर प्रसाद की सेवा करो। बोले गुरुदेव आपका अज्ञात कितने अपमान ना करो, कितना उल्लंघन लास्ट अज्ञात बाल ना करो। इसलिए कहते नहीं हरिनाम को साथ क्या करना पड़ेगा, सेवा को साथ में हमें हरिनाम करना पड़ेगा। इसलिए गुरुदेव कहते तुम डबल बल मिलेगा। लेकिन ये माला में कोशिश करनी चाहिए, कुछ ठीक नंबर रख करके माला को करनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु कहते हैं इहा जप किया सबे करिया निबंध, माला में कुछ संख्या रख करके करनी चाहिए। और भगवान की सेवा को साथ में जब नाम करेगा ना वो नाम का ज्यादा करेगा। जैसे माला करें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी ठाकुर जी के लिए आज फल नहीं, ठाकुर जी को भोग लगेगा, अभी तो कुछ फल नहीं, फल लाना पड़ेगा। मन में क्या चल रहा है, ठाकुर को सेवा माला कर रही, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे नाम कर रहे। उधर क्या चिंता कर रहे, अरे ठाकुर जी को तो जगाने का टाइम हो गया, ठाकुर को तो जगाना पड़ेगा ठाकुर जी को हैं। फिर हरिनाम कर रहे हैं, अरे ठाकुर जी के लिए आज रसोई क्या बनेगा, ठाकुर को तो श्रीकार। जब हम सेवा को साथ में हरिनाम करेंगे ना, देखो ये मन क्या चिंता करेगा, सेवा को चिंता करेगा और भगवान के नाम डबल का। अगर भगवान की पूरा सेवा को छोड़कर माला लेकर बैठी जाए तो कोई अनर्थग्रस्त अवस्था में, भले ही माला चल रहा है लेकिन हमारे मन में क्या चल रहा है, फिर तो नाम अपराध है, वो नाम नहीं है। वो नाम कहते से सब जानिए भाई कृष्ण भक्ति बात है, कहते भक्ति की भक्ति उसमें बात हो जाती खत्म हो जाती है, भक्ति नहीं होगी। इसलिए कहते सर्वर मुखे जीवा दो स्वयं व्यवस्था। इसलिए देखनी चाहिए हमारी वृत्ति सर्वर मुखी है कि नहीं, ऐसे नहीं हमारे भक्ति रत्न सिद्धर गोस्वामी महाराज कहते थे, कहते ऐसे नहीं तुमने एक एक माला करने का एक तुमने बहाना बना दिया, हमको इतना माला करनी, लेकिन माला लेकर तो असत चिंता कर रहे हो, उधर उधर की चिंता, कहते नहीं इसमें अपराध होता है। इसलिए इस सेवा को साथ में जब हरिनाम करेंगे, हरिनाम हमें ज्यादा फल देने वाले, हमें ज्यादा फल देने वाले। इसलिए हाथों में सेवा करो और भगवान में नाम लो, लेकिन माला में अपना संख्या को माला में रखनी चाहिए। कुछ समय बैठी करके अच्छे तरह से हृदय से पुकार पुकार करके हरे कृष्ण महामंत्र को जप करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए रात में जितने जल्दी से जल्दी हो प्रसाद पा करके विश्राम कर लो, प्रसाद पा करके विश्राम कर लो और जल्दी जल्दी सवेर उठो। सवेर उठ करके अब देखना आप स्वयं देख लो, हमारे गुरु जी कहते थे अगर सवेर उठ करके तुम आधा घंटा हरिनाम करोगे का एक घंटा हरिनाम करोगे उसमें तुमको जो आनंद मिलेगा, मन जैसे प्रभु की भजन में लग जाएगी। आप दिन भर में देखना माला करोगे तो वो ऐसे हरिनाम करोगे, कारण क्या, मन दिन होते ही अपने आप रजोगुण बढ़ना शुरू हो जाता है शरीर है रजोगुण, फिर तो मन इधर उधर चलाए मान होता है। इसलिए हमने देखा हमारे गुरु वर्ग लोग क्या करते थे, सवेरे शाम को जल्दी जल्दी प्रसाद पा करके विश्राम कर लेते थे और सवेरे सवेरे करके जितना हो सके माला को माला पूरी कर लेते थे। ये सबसे बेस्ट थी, सबसे बढ़िया थी। इसलिए प्रभुपाद यहाँ कहते हैं नामेरे प्रभाव जीवन सकल अनर्थ क्रमश दूर है, ये हरिनाम को अगर हम करेंगे ठीक ठीक से हमारे हृदय में जितने अनर्थ है ये सारे धीरे धीरे सारे अनर्थ हमारी नष्ट हो जाएगा। और नाम स्वयं कृष्ण, ये नाम कौन है, कहते अभिन्नत्वात् नाम नामिने, भगवान और उनके नाम में कोई फर्क नहीं।
लेकिन प्रभुपाद देखो क्या कहते हैं, कहते नाम ही स्वयं कृष्ण, नाम स्वयं कृष्ण, लेकिन केवल स्वयं नहीं स्वयं रूप ही नाम, समझ गए। कहते यही तो यहाँ पर कहते कृष्ण हरि से बड़ा हरि का नाम है, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं जो नाम है स्वयं रूप ही ये नाम है, जो भगवान का नाम है भगवान का जो स्वयं रूप ही ये नाम, इसलिए नाम से कभी भगवान को अलग मत समझो। हमारे दुर्दैव अपनो जन्य अन्य कौन उपाय नहीं, हमारे जो दुर्दैव है जो उपस्थित हुआ है कृष्ण विमुखता, अगर उसको हटाने के लिए नाम के सिवाय और कोई उपाय नहीं। श्री नाम भजन व्यतीत कृष्ण नामानंद ही आमादिक जड़ानंद अर्थात भोग चिंता है तो रक्षा करेंगे, भगवान का जो नाम आनंद हमें क्या करेगा, हमारे मन में जो अनर्थ ग्रस्त है इधर उधर जो मन इधर उधर भागता है ये क्या करेगा, जितने भोग वृत्ति से अगर हमें कोई रक्षा कर सकता है ये कृष्ण नाम रक्षा करेगा। इसलिए हर समय क्या करो, हाथ में सेवा करो और हमें भगवान की नाम को लेनी चाहिए, बोले कृष्ण भोग्य आमी आमार वित्त रूपे कृष्ण प्रीति हई आमा के आकर्षण कर ले आमी तहार वित्त रूपे मुक्त हई। इसलिए कहते हैं कृष्ण भोग्य क्या सोचने चाहिए, हम भगवान की सेवक है और भगवान हमारी सेव्य है, भगवान हमारे सेव्य है और हम ठाकुर जी की सेवक हैं, अतएव कहते अमार नित्य रूपे कृष्ण प्रीति है या हम के आकर्षण कर ले, कहते हमारे जो नित्य रूप कौन है, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यता, कहते आकर्षण कर ले हमें कहा नित्य रूप मुक्त है भगवान, जब हमको हरि नाम करते करते क्या होगा धीरे धीरे ठाकुर जी हमारे चीतों को धीरे धीरे अपना तरफ में ठाकुर जी आकर्षण करेंगे, आकर्षण करने पर धीरे 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 हमारे मन भगवान की चरण में लग जाएगा। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं जितने साधन हैं सर्वश्रेष्ठ साधन भगवान के नाम साधन, भगवान की नाम साधन ही सर्वश्रेष्ठ। इसलिए 24 घंटा क्या करो कि सहने कि भजने कि वह जागरणे अहर निश्चिंत कृष्ण बोला हुआ है, हर समय उठते बैठते सोते क्या करो हरि नाम करो। आप बोलोगे भैया ठीक है जगते समय तो हरिनाम, सोते समय कैसे हरिनाम करेंगे, सोते समय आप लोग एक चीज देख लेंगे जिस चीज में आपका चित्त आविष्ट रहता है ना, जिस चीज में आविष्ट बहुत किस चीज में बहुत ज्यादा आविष्ट है, आप देखना सोते समय आपको वही चिंता होगा। अगर तीन बार प्रभु का नाम जप करोगे हरिनाम करोगे सोते समय वही नाम ही चिंता आएगा, वही और कोई चिंता ही नहीं आएगा। इसलिए क्या करो हर समय भगवान के नाम में ही भगवान को संपूर्ण डुबो दो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम, जोर से बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। इसलिए आप लोग अगर कोई सेवा नहीं हो ना कोशिश करो थोड़े समय बैठ करके हरिनाम करें, ठीक है।